जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान और सफलतम क्रिकेटर्स में से एक हीट स्ट्रीक पर आईसीसी ने 8 साल का बैन लगा दिया है। हीट स्ट्रीक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसे उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है। इसके बाद नियमों के उल्लंघन के लिए आईसीसी ने उन पर यह कार्रवाई की है। हीट स्ट्रीक ने माना है कि उन्होंने आईसीसी एंटी करप्शन कोड के 5 नियमों का उल्लंघन किया है। आइए आपको बताते हैं कि एसीयू ने अपनी जांच के दौरान क्या क्या पाया हीट स्ट्रीक के खिलाफ। हीट स्ट्रीक सितंबर 2017 में व्हाट्सएप से एक भारतीय एक्स से बात करते हैं। एक्स ने कहा है कि वो जिम्बाब्वे में एक T20 लीग का आयोजन करना चाहता है। उसने पूछा कि क्या स्ट्रीक इसमें दिलचस्पी रखते हैं, इसमें वो पैसा कमा सकते हैं। बातचीत के दौरान एक्स ने हीट स्ट्रीक को बताया कि वो क्रिकेट की सट्टेबाजी में शामिल है। उसने स्ट्रीक से बैंक खाते के बारे में जानकारी मांगी और स्ट्रीक ने दे दी। हालांकि बातचीत में स्ट्रीक ने एक बात साफ कर दी थी कि वो जिम्बाब्वे में T20 लीग स्थापित करना चाहते हैं, वे इसे लेकर तैयारी कर रहे थे। ये सभी बातचीत पर्सनल मेल और फोन से हुई। दोनों के बीच लगभग 15 महीने तक बातचीत होती रही। इस दौरान एक्स ने हीट स्ट्रीक से उस मैच के बारे में जानकारी मांगी जिसमें वो शामिल थे। स्ट्रीक ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के 3 खिलाड़ियों के डिटेल मिस्टर एक्स को दे दिए। इतना ही नहीं, स्ट्रीक ने अफगानिस्तान प्रीमियर लीग के 2 खिलाड़ियों को भी मिस्टर एक्स से प्रभावित करने की कोशिश की। हीट स्ट्रीक ने अफगानिस्तान प्रीमियर लीग की अंदर की जानकारी भी मिस्टर एक्स को दी। हीट स्ट्रीक ने मिस्टर एक्स से 2 बिटकॉइन लेने की बात स्वीकार की। इससे उन्हें लगभग 26 लाख रुपए मिले। जिम्बाब्वे के महान गेंदबाजों में से एक 47 साल के हीट स्ट्रीक साल 2017 और 2018 के बीच हुए मुकाबले को लेकर शक के घेरे में थे। बतौर कोच उन पर कई मुकाबलों में भ्रष्टाचार रोधी संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा था। इन मुकाबलों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचेस, आईपीएल, बांग्लादेश प्रीमियर लीग और अफगानिस्तान प्रीमियर लीग के मैच भी शामिल थे। हीट स्ट्रीक ने खुद पर लगे आरोपों के खिलाफ अपील की थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी गलती मान ली, जिसके बाद अब वो 8 सालों तक क्रिकेट की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो पाएंगे। वो 28 मार्च 2029 से दोबारा क्रिकेट से जुड़ पाएंगे। हीट पर लिए गए फैसले पर आईसीसी की इंटेग्रिटी इकाई के महाप्रबंधक एलेक्स मार्शल ने क्रिकेट की वैश्विक संचालन संस्था के बयान में कहा, हीट स्ट्रीक अनुभवी पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और राष्ट्रीय टीम के कोच रहे, जिन्होंने कई भ्रष्टाचार रोधी शिक्षा सत्र में हिस्सा लिया और वो संहिता के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह अवगत थे। पूर्व कप्तान और कोच होने के नाते सब उन पर विश्वास करते थे और उनकी जिम्मेदारी थी कि खेल की अखंडता को बरकरार रखें। बता दें कि हीट स्ट्रीक ने जिम्बाब्वे के लिए 56 टेस्ट और 189 वनडे मैच खेले। इस दौरान दाएं हाथ के तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर ने 216 टेस्ट और 339 वनडे विकेट हासिल किए। यही नहीं, स्ट्रीक ने टेस्ट में 1990 तो वनडे में 2942 रन भी बनाए। उन्होंने 2005 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया और इंग्लैंड के वॉरविकशायर क्रिकेट क्लब में कप्तान बन गए। स्ट्रीक बतौर कोच भी काफी सक्रिय रहे। उन्होंने अलग अलग टीमों को कोच किया। साल 2009 में हीट स्ट्रीक जिम्बाब्वे के गेंदबाज कोच बने और उन्होंने ग्रांट फ्लावर और एलन बूचर के साथ काम किया। साल 2013 में हीट स्ट्रीक का करार खत्म हो गया क्योंकि जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के साथ उनका वित्तीय मतभेद हो गया। साल 2014 से लेकर 2016 तक स्ट्रीक जिम्बाब्वे की गेंदबाजी कोच रहे। साल 2016 में हीट स्ट्रीक जिम्बाब्वे के हेड कोच नियुक्त हुए और बतौर गेंदबाजी कोच वो आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ भी जुड़े। टेस्ट और एक दिवसीय राष्ट्रीय क्रिकेट में जिम्बाब्वे के सबसे सफल गेंदबाज स्ट्रीक 2018 की शुरुआत तक राष्ट्रीय टीम के कोच रहे, लेकिन 2019 के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप के लिए टीम के क्वालिफाई करने में नाकाम रहने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया।